हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल होप यू हैव वाचिंग माई लास्ट वीडियोज़ एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टाइप्स ऑफ कैरिकुल एंड इन दिस टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस द एक्सपीरियंस कैरिक्यूलम एंड दिस इज थर्ड टाइप ऑफ द कैरिक्यूलम तो जहाँ तक एक्सपीरियंस कैरिकम का ताल्लुक है कैरिकुलम को जानने से पहले हम बात करेंगे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक ऐसा तजुर्बा सवाल यहाँ पे इस कैरिकुलम के अंदर ये पैदा होता है कि किस कसम की किस प्रकार की एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा आम लफ्ज़ों में जब हम बात करते हैं कहते हैं कि तजुर्बात से इंसान को अक्ल आ जाती है यानी ये अक्ल आ जाने का मतलब है तजुर्बात की बिना पे तजुर्बात की वजह से एक शरीर एक इंसान एक लर्नर एक स्टूडेंट एक तलब इम एक बच्चे के अंदर शूर आ जाता है दैट मीन्स उसके अंदर समझ जो उसका है वो बढ़ जाता है वो गहराइयों में चला जाता है तो ये एक ऐसा कैरिकुलम है जो कैरिकुलम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है और इन एक्सपीरियंस की बदौलत से ही वो अपने नॉलेज को अपने स्किल को अपने एटीट्यूड को आगे बढ़ाता है उसमें डेवलपमेंट आ जाती है क्योंकि तजुबा से इंसान को अक्ल आ जाती है ये साफ दर्शाता है कि तजुर्बा हासिल करने के लिए हमें किसी एक्टिविटी का करना लाजमी है तो इसका मतलब है एक्टिविटी और तजुर्बा एक्सपीरियंस एज वेल एज द एक्टिविटी ये आपस में को रिलेटिड है तो इनका काम वैसा ही है जिस तरह से हमारे पास एक कॉइन है उस कॉइन के दो फेसेस है हेड एंड टेल तो यहाँ पे एक्सपीरियंस एज वेल एज द activity centered curriculum, experience curriculum is based on the activity centered curriculum. क्योंकि जहाँ तक एक्सपीरियंस सेंटर्ड curriculum का ताल्लुक है यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बच्चा respond करता है वो एंगेज हो जाता है वो सीखने की कोशिश में रहता है वो लर्निंग प्रोसेस में आ जाता है कहाँ से चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो सोशल कंटैक्ट्स हो चाहे वो सोशल रिलेशनशिप्स हो चाहे वो इमोशनल एनवायरनमेंट हो चाहे वो क्लासरूम एनवायरनमेंट हो चाहे वो प्लेग्राउंड की बात करें चाहे वो इको क्लब की बात करें चाहे वो किसी भी ट्रिप की बात करें किसी भी फील्ड की बात करें किसी भी पिकनिक स्पॉट की बात करेंगे डिफरेंट काइंडस ऑफ जो वहाँ पर जो इवेंट्स मिलते हैं जहाँ पे वो अपने आप को एंगेज करता है जहाँ पे उसको नए चीज़ों को देखने को मौका मिलता है वहाँ से भी वो सीख लेता है क्योंकि वो उसके पास एक नया तजुर्बा सामने आ जाता है नई चीज़ों को देखना नए चीज़ों को परखना नए प्लेसेस पे जाना नए लोगों से मिलना अपने दोस्तों से उठना बैठना रिलेशन में जाना गैदरिंग्स में जाना क्राउड्स में जाना प्लेग्राउंड में जाना ए, ए, स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर लाइब्रेरी के अंदर लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ उनके पास ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ से ये बच्चा लर्न करता है ये ए, ए, लर्न करने का मतलब है उसको वो एक तजुर्बा हासिल करता है आमतौर तौर से जब हम बात करते हैं जब हम कहीं पे जाते हैं या इंटरव्यू देने के पर्पज़ से चले जाते हैं तो इंटरव्यू अथॉरिटी जो होती है वो आम तौर से वहाँ पे यही पूछती है कि, कि क्या तालीम है आपकी कहाँ पे तालीम हासिल की आपने कब से क्या कर रहे हो आपके पास कितना तजुर्बा है किस चीज़ का तजुर्बा है तो ये सब बातें हैं ये कैरिकुलम की जो बातें हैं इस कैरिकुलम के अंदर हम बच्चे को इन्हीं तजुर्बात की बिना पे उसके अंदर जो डेवलपमेंट आ जाती है जिसकी बदौलत से ये एक वेल रिफाइनड वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी बन जाती है एक्सपीरियंस कैरिकुलम एक ऐसा कैरिकुलम है जो आपके शरीर के अंदर जो बच्चे के अंदर जो लर्नर के अंदर ऐसे नॉलेज डेवलप करता है जिस नॉलेज की बदौलत से इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट आ जाती है इसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है इनके अंदर वो एप्रिसिएशन जब हम बात करते हैं लेकिन ये आतक कहाँ से ये उन्हीं तजुर्बात से आ जाता है ये तजुर्बात कहाँ से आते हैं जब ये किसी कस्म की किसी प्रकार की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है इसके मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्टिविटी इज एसेंशियल पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट जब लेबोरेटरी के अंदर बच्चे चले जाते हैं तो वहाँ पे उनकी फीलिंग्स अलग सी हो जाती है वहाँ पे उनका सोच बिल्कुल हाई लेवल पे चला जाता है क्योंकि वहाँ पे वो खुद अपने बॉस बन जाते हैं वहाँ पे टीचर एक फैसिलिटेटर की हैसियत से एक असिस्टेंट की हैसियत से उनको असिस्टेंस करता है गाइड करता है और वहाँ पे बच्चा खुद परखता है देखता है खोज में चला जाता है और वहाँ पर नया चीज़ करने की उसको इच्छा होती है क्योंकि नया चीज़ ही वो देखता है और वहीं से उनके अंदर तजर्बात आ जाते हैं और उन्हीं तजर्बात की बिना पे उसके अंदर नॉलेज आ जाती है दैट मीन्स एक्सपीरियंस कन्वर्ट हो जाता है नॉलेज में और वही नॉलेज उसको अपने मंजिल के पास लेके चला जाता है और वह अपने मंजिल को छू लेता है यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में हम आराम से ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिकुलम इज़ सेंटर्ड ऑन द लर्नर्स यानी इसका जो मेन फोकस है दैट मीनस द सेंटर पार्ट ऑफ द एजुकेशन सेंटर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस सेंटर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस और द लर्नर्स तो यहां पर लर्नर को मौका मिलता है सीखने का यह कैरिकुलम इस आधार पर काम करता है इसके बाद एक और बात हम करेंगे जब हम एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिकुलम को देखते हैं जब हम इसको गौर से देखते हैं जब हम इनकी इस करिकुलम को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में जानना चाहेंगे प्रैक्टिकल वे में हम ये कह सकते हैं कि यही वो कैरिकुलम है जिस कैरिकुलम की बदौलत से हम अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं हम अपने बच्चों को एक नई दिशा में लेके आ जाते हैं और वो क्या है दैट मीन्स राउंड डेवलपमेंट लर्नर के लिए ये एक ऐसा पॉथ है ये एक ऐसा रनवे है जिस रनवे को जिस रनवे के ऊपर चलने के लिए जिस रनवे की बदौलत से इस लर्नर के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाती है डेवलपमेंट आ जाती है एक वेल रिफाइनड वेल बैलेंसड पर्सनैलिटी बन जाती है क्योंकि यही कैरिकुलम वो कैरिकुलम है जो एक्टिविटी बेस्ड है जो एक्टिविटी के साथ कंप्लीटली जुड़ा हुआ है क्योंकि ये डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाता है किसके साथ एक्टिविटी के साथ और एक्टिविटी हम उस एक्सरसाइज को कहते हैं जिस एक्सरसाइज की बदौलत से रिजल्ट आ जाए दैट मींस द एक्टिविटी शुड बी पर्पजफुल जहां से रिजल्ट आ जाए क्योंकि हर कोई पर्पज़फुल एक्टिविटी जो होती है दैट इज़ यूज़फुल वहां से यूज़फुल रिजल्ट आ जाते हैं वहां से यूज़फुल एक्सपीरियंस आ जाता है और वही यूज़फुल एक्सपीरियंस कन्वर्ट हो जाता है नॉलेज में और वही नॉलेज हम अपने लर्नर्स के अंदर डेवलप करना चाहते हैं जो आजकल का दौर है जो आजकल का जमाना है जिसे मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं जिसे मॉडर्न दुनिया कहता है कहते हैं और इस मॉडर्न दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं यानी आजकल जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है आजकल के दौर में भी हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल कंसेप्ट है जो एजुकेशन का मेन कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस सेंटर्ड और आजकल का जो मॉडर्न कैरिकुलम है वो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एज वेल एज द एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम क्योंकि यही वो कैरिकुलम है एक्टिविटी कैरिकुलम एज वेल एज द एक्सपीरियंस कैरेक्यूलम यही वो कैरिकुलम है जो बच्चे को फेस टू फेस कहाँ पे रियल एंड एक्चुअल सिचुएशन में ले आता है जो बच्चों को लर्नर्स को रेल सिचुएशनस को फेस करना सिखाता है जो रेल सिचुएशन को टैकल करना सिखाता है जो रेल सिचुएशन के साथ मुकाबला करना सिखाता है यानी जो जिंदगी के इस पूरे पूरे हिसाब में लेके आता है इस दुनिया को देख सकता है इस दुनिया के अंदर कहां पे कैसे किस तरह से किस चीज को देखना कैसे एन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिकुलम क्योंकि ये वो कैरिकुलम है जिस कैरिकुलम की बदौलत से बच्चों की जो लर्निंग है बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है हेल्पफुल बन जाता है फ्रूटफुल बन जाता है रिजल्ट ऑरेंटेड बन जाता है क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तजुर्बा से इंसान को अक्ल आ जाती है शऊर आ जाता है नॉलेज आ जाता है अकल आने का मतलब यहां पे ये उसके लिए हेल्पफुल लर्निंग बन जाता है क्योंकि वो सीखता है तजुबात से इंसान सीखता है उसके पास बेटर एक्सपीरियंस आ जाती है कब कैसे किस तरह से एक रिसर्च टेक्नोलॉजिकल ब्रेन डेवलप हो जाता है एनालिटिकल अप्रोच में आ जाता है स्केंस में चला जाता है और इस एक्सपीरियंस इन तजुर्बात की बदौलत से उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट आ जाती है तो इस तरह से एक लर्नर सोशलाइज बन जाता है सोशल डेवलपमेंट में बच्चे का आना इम्पोर्टेंट है दैट मीनस वो लाइफ को समझ लेता है वो लाइफ को जान लेता है जिस लाइफ के लिए जिस मकसद के लिए जिस मुद्दा और मकसद के लिए इंसान धरती पर उस चीज़ को वह पहचानता है उस चीज को वो समझता है समाज में रहना समाज में उठना समाज में बैठना समाज को देखना समाज को परखना समाज के साथ जुड़ के रहना ये कहाँ से हासिल होता है ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिकुलम और साथ ही साथ इस कैरिकुलम की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि ये लर्नर जो है इसको ये कैरिकुलम ये सिखाता है कि अपने माहौल को अपने वातावरण को अपने एनवायरमेंट को अपने सोसाइटी को कैसे पहचानना है कैसे समझना है और किस तरह से अपने आप को इस वातावरण के अंदर इस एनवायरमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है दैट इज़ बेसिकली द डेवलपमेंट दैट इज़ बेसिकली द एक्सपीरियंस एंड दैट इज़ द नॉलेज वही नॉलेज हम अपने लर्नर्स के अंदर डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिक्यूलम अब हम बात करेंगे कि अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी एक्सपीरियंसिस हैं कौन से ऐसे तजुर्बात है जिन तजुर्बात की वजह से हमारे बच्चे के अंदर शूर आ जाता है हमारे जो लर्नर्स हैं वो वेल बैलेंसड पर्सनैलिटी बन जाते हैं उनके अंदर लर्निंग प्रोसेस आ जाता है उनके अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर आ जाती है उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट आ जाती है उनके अंदर मेंटली वो डेवलप हो जाते हैं फिजिकली वो डेवलप हो जाते हैं स्परिचुअली वो डेवलप हो जाते हैं तो ऐसे कौन सी एक्सपीरियंसिस है वी हैव गॉट two types of experiences simple in simple words we can say two types of experiences direct experience and indirect experience ab jab hum baat karenge direct experience that means direct experience means give first hand knowledge like in डायरेक्ट एक्सपीरियंस के अंदर हम किन चीज़ों के जिक्र करते हैं जैसे कि हम स्कूल एक्सकर्शन की बात करते हैं स्कूल एक्सकर्शन का मतलब है जब हम नए जगह पे चले जाते हैं तो वहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिलता है एक न्यू एक्सपीरियंस इस लर्नर के लिए है और वहाँ से उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है खाली ये बस में बैठने वाली बात नहीं है खाली ये किसी पिकनिक स्पॉट में जाने वाली बात नहीं है नहीं सोशल इंटरेक्शन दोस्तों से उठना बैठना टीचर्स के साथ जाना घूमना देखना नए लोगों से मिलना खुद वहाँ पे करना मार्केट में जाना कुछ चीज़ खरीद के लाना खुद ये सब करता है तो एक तजुर्बा आ जाता है टीचर्स से बात करना एक अलग सा माहौल आ जाता है एक खुशी का माहौल होता है अपने आप को बात समझने लगता है और वहाँ पे दोस्तों से साथ बैठ के बात करता है अलग फीलिंग्स आ जाती है एक कल्चरल वहाँ पे सोच विचार आ जाता है एक दूसरे की बात सुनने का मौका मिलता है एक दूसरे को कुछ बोलने का मौका मिलता है तो वहाँ पे लर्निंग प्रोसेस आ जाता है वही तजुर्बा एक लर्निंग प्रोसेस है जिससे हम कहते हैं कि फर्स्ट हैंड नॉलेज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब हम एक्सक्रशन की बात करते हैं इसी तरह से जब हम ट्रिप्स की बात करते हैं इसी तरह से हम जब ट्रिप्स के अलावा जब हम और सारे ऐसे कुछ देखते हैं जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं लेबोरेटरी में जाते हैं या हम लाइब्रेरी लेबोरेटरी के अलावा जब हम रिसर्च पीरियड में बच्चों के साथ मिलते हैं या असेंबली में मिलते हैं या कोई डिस्कशन प्रोग्राम होता है सेमिनार होता है वर्कशॉप होता है तो कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कल्चरल फंक्शंस होते हैं मैचेस होते हैं डिबेट वगैरह डिस्कशनज होते हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन हो जाता है तो ये सब सीखने के लिए बच्चे के लिए बहुत आगे जाके बहुत काम करता है और उन्हीं की वजह से ऐसे नए नए चीज़ें सीखने को मिलती है जिसकी बदौलत से इस लर्नर के अंदर नई नॉलेज डेवलप हो जाती है और उस नॉलेज को हम कह सकते एक्सपीरियंस इसी तरह से मैनुअल वर्क की बात करें प्रोजेक्ट वर्क की बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें ये सब जो बातें आ जाती है इनकी बदौलत से इस बच्चे के अंदर नया चीज़ सीखने को मिलता है और इसी को हम एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिकुलम कहते हैं इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस की जब हम बात करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस में सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक्स की टेक्स्ट बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है वैलेबल है वैलेबल एसेट है बुक किताब बहुत ज़रूरी है लेकिन वहाँ से भी इस बच्चे को बहुत कुछ मिलता है इसी तरह से जब हम रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं रेडियो आजकल पार्ट एंड पॉर्सल ऑफ द लाइफ है रेडियो खाली रेडियो गाने सुनने के लिए नहीं है रेडियो खाली न्यूज़ सुनने के लिए नहीं रेडियो से हम बहुत कुछ आजकल सीख सकते हैं बहुत कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ जाते हैं रेडियो पे जो वैलेबल है जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बहुत ही बहुत ही वैलेबल है रेडियो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ सुन लो गाने सुन लो उसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं और जो गाने के साथ साथ भी ऐसी बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी जाती है जो हेल्थ के रिलेटेड होती है जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड होती है जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड होती है यानी रोजमर्रा डेली डे दे टू डे रूटीन लाइफ में जो हमें चाहिए जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके बारे में हमें पता चलना चाहे वो डिस्कवरी साइंस हो चाहे वो टेक्नोलॉजिकल की दुनिया की बात हो चाहे वो खाने पीने की बात हो चाहे वो हेल्थ रिलेटेड बात हो चाहे वो वेदर रिलेटेड बात हो ये सब तो हम रेडियो से ही सुनते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट भी हमारे पास ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस आ जाती है इन बच्चों के अंदर जिसकी बदौलत से ये आगे बढ़ जाते हैं इसी तरह से लाइब्रेरी की बात भी मैंने की स्टोरीज़ की बात की स्टोरीज़ स्टोरीज़ भी बहुत बहुत ऐसे हमारे पास रिसोर्स है ऐसे सोर्सेज का प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस इनसे भी बच्चा सीखता है कार्टून नेटवर्क में चले जाते हैं बच्चे हाँ, में बच्चे चले जाते कॉमिक कौ, बुक्स में बच्चे चले जाते, हिस्ट्री को देख लेते मतलब कहीं न कहीं से उनके पास ऐसे जाती है इस प्रकार की मॉडिफिकेशन की एक वेल बैलेंसड पर्सनैलिटी बन जाती है उसके बाद रोल ऑफ एक्सपीरियंसड है एक्सपीरियंस करिकुलम में है सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कहते हैं कि रोल ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिकुलम जो है इसमें जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैरिकुलम की बात करते हैं इसका मतलब ये कैरिकुलम बेस्ड ऑन द लर्नर्स है तो लर्नर के ऊपर बात होती है क्योंकि लर्नर के लिए ही तो सब कुछ है जितने भी आज तक हमने कैरिकुलम्स की बात की जितने भी टाइप्स की हमने आज तक बात की उनमें फोकस जो किया जाता है दैट इज द लर्नर नंबर दो नंबर दो हम बोलते हैं कि यहां पे जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिकम की तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इस कैरिकुलम की बदौलत से हम कह सकते हैं कि इट प्रमोट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स और साथ ही साथ इस कैरिकुलम के अंदर सब्जेक्ट मैटर को हम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे इसको सेलेक्टिव मटेरियल के तौर पे डेवलप करते हैं ताकि इसमें बच्चे टीचर्स सुपरवाइजर्स एंड पेरेंट्स आल्सो इवन के सोशल एनवायरमेंट वो सबके लेवल के बराबर होना चाहिए और सबके लेवल के बराबर हो जाता है और वही सब्जेक्ट मैटर फिर आगे जाके अपना काम करता है यही वो कैरिकुलम है जिस कैरिक्यूलम की बदौलत से हम अपने लर्नर्स के अंदर हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे से अच्छे हैबिट्स डेवलप करते हैं खूबसूरत स्किल ओरिएंटेड बच्चे डेवलप हो जाते हैं इनके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं राइटिंग स्किल की बात करें डू लर्निंग बाय डूइंग की बात करें हाथों का काम जब हम करते हैं हाथों से स्किलफुल बन जाते हैं सोच विचार में आ जाते हैं नया कुछ करने की बात आ जाते हैं बहुत कुछ इनको सीखने को मिलता है और यही तजुर्बा आगे जाके हमारे जिंदगी को सवारता है सजाता है और यही वो कैरिकुलम है जिस कैरिकुलम की बदौलत से हम ये कह सकते कि दिस इज द बेस्ट वे फॉर द लर्निंग प्रोसेस दिस इज द इंपॉर्टेंट वे फॉर द लर्निंग प्रोसेस क्योंकि इसमें टेस्ट आ जाता है इसमें मतलब मन लग जाता है एक रिजल्ट uh, ऑरेंटेड बन जाता है एजुकेशन जहां तक तालीम का ताल्लुक है एजुकेशन का ताल्लुक है एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस प्रोसेस इसका कोई एंड नहीं है नेवर एंडिंग प्रोसेस तो इसके अंदर जब हम बात करेंगे इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है एजुकेशन एंड दैट एजुकेशन कम्स ओनली व्हेन देर विल बी एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरेक्यूलम और इसके बाद हम बात करेंगे अगले कैरिकुलम की तो वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे टिल देन गुड बाय सब्सक्राइब टू तो माई चैनल थैंक यू सो मच